संवेदक की लापरवाही से गई हेमंत रमानी की जान। मुआवजे को लेकर कारगिल चौक पर किया गया सड़क जाम। एक गरीब मजदूर को न्याय दिलाने के लिए रोड जाम किया गया। ये दो दिन से हॉस्पिटल में थे, इनको देखने के लिए न संवेदक आया है, न विभाग का कोई कर्मी लोग आया, इनका अनर खाने में इनका पोस्टमार्टम कर दिया गया है। और इनके पास संवेदक के कौन संवेदक है अभी तक पता भी नहीं चला है, कौन ठेकेदार है नहीं है। जो संवेदक है उस पर धारा 302 का केस होना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसके परिवार के सदस्य को मुआवजा मिले और सदस्य को किसी एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। यही मेरी मांग है, यह पूरे समाज की मांग है, जामकर्ता का मांग है। हम लोगों की मांगे हैं, कार्य करा रहे एजेंसी के मालिक पर हत्या का मामला दर्ज कर अविलंब गिरफ्तार करें, संबंधित एजेंसी को पहले सूची में डालें, मृत मजदूर के परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा दें, घायल मजदूर को 2 लाख रुपया मुआवजा दें, लापरवाही बरतने वाले विद्युत विभाग के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करें। और ये सभी मांगे जायज हैं क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं एक परिवार है। इसके मर जाने के बाद उनके दो छोटे छोटे बच्चे उनकी पत्नियां दाने दाने को मोहताज हो गई है। अगर विद्युत विभाग ये कहता है कि मुझे जानकारी नहीं दी गई थी तो फिर सीधे सीधे मालिक का एजेंसी जो काम करा रही है उस मालिक का दोष है, तो उसको हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया जाए, उसका मुकदमा दायर किया जाए। नहीं था कोई भी सुरक्षा का मानक विभाग नहीं अपनाता है। अगर वो रबड़ का ग्लव्स इसके हाथ में होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। आज विभाग और ठेकेदार एक दूसरे पर लिपापोती करके मामले को सलटना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई नहीं सोचता है। ये बहुत गलत है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। आगे भी जब कार्य हो तो अच्छे तरीके से हो, मेंटेनेंस का कार्य है करना चाहिए, लेकिन उस पर पूरी ध्यान देने के साथ लापरवाही बरतनी नहीं। बिजली दीवार हाय हाय, बिजली दीवार हाय हाय, बिजली दीवार हाय 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 हाय, जय हिंद 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 जय हिंद। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अभी तक पूरे भारत में 1600 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां बहुत ही कम कीमत में उत्तम गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हैं। गोड्डा के जन औषधि केंद्र का पता है डॉक्टर नरेंद्र कुमार की गली कविता भवन के बगल में, राजेंद्र नगर गोड्डा।